गुलबर्गा में कुछ दिन पहले रियाजुद्दीन उसामा नामी एक नौजवान का छोटी उम्र में इंतकाल हुआ था, जिसकी याद में उनके दोस्तों ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें गुलबर्गा राइडर, शाहबाद, चिंचोली, बसवा कल्याण, चितापुर, सेडम, चंदापुर, औरात और उसामा ए और उसामा बी नामी कुल 10 टीम पार्टिसिपेट कर इस टूर्नामेंट को यादगार बनाए हैं। रियाजुद्दीन उसामा को स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी थी और यह ख्वाहिश थी कि दिलशाद फंक्शन हॉल के अपोजिट मौजूद गार्डन में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट खिलाया जाए, पर अफसोस छोटी उम्र में उसामा दुनियाए फानी से रुखसत हो गए हैं। पर उसामा के दोस्तों ने अपने दोस्त की याद में बिना किसी से एक रुपया लिए खुद से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें गुलबर्गा के अलावा दूर दूर से लोग खेलने और देखने आए थे। इस मौके पर उसामा के वालिद एडवोकेट फयाज महमूद और दीगर रिश्तेदार भी यहां शिरकत किए थे और साथ ही इस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर मिनहाज खतीब के अलावा खय्यूम, यूनुस, बासित, इमरान अकरम, महमूद आलमदार जैदी और वाहिद कैप्टन मोहसिन कोच, रज्जो बाबर खान, भुजन घोड़ा एम्पायर और मल्लू एम्पायर के अलावा दीगर कई लोग यहां मौजूद थे। रियाजुद्दीन उसामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में कलबुर्गी राइडर टीम विनर और उसामा ए टीम रनर अप रही है और ट्रॉफी के साथ विनर टीम को मिनहाज खतीब की जानिब से विनर प्राइज दिया गया है और उसामा की फैमिली की जानिब से भी विनर और रनर अप टीम के लिए अलग से प्राइज दिया गया है। और इस टूर्नामेंट में कुमार और किरण को बेस्ट शूटर, अमरेश को बेस्ट पासर, मानतेश को बेस्ट लिफ्टर, फैजू को बेस्ट ब्लॉकर और अताक को इमरजेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है। वैसे तो रियाजुद्दीन उसामा तमाम दोस्तों के करीबी थे, पर मिनहाज खतीब के बेहद करीबी माने जाते हैं। वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बाद मिनहाज खतीब की जानिब से खतीब बॉक्स क्रिकेट में 28, 29 और 30 अक्टूबर को उसामा के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाने का ऐलान भी किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन उसामा का वालिद हूँ। ये जो टूर्नामेंट कंडक्ट करे, जो उसामा की दोस्तां एक रुपया किसी से नहीं लेके खुद के पैसों से उन्होंने टूर्नामेंट ये कंडक्ट करे हैं और उनको मैं शुक्र अदा करता हूँ। और आने वाले साल में और एक टूर्नामेंट जो बनाया जाएगा तो उससे अच्छे से अच्छा बनेंगे। आज का दिन दो तरह से आज का दिन हम मनाने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस दिन हमको बहुत ज़्यादा गम है कि उसामा हमारे दरमियान में नहीं है। एक होनहार बच्चा बिल्कुल कम उम्र में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुआ है, उसके लिए आज हम कंडोलेंस करते हैं, अफसोस करते हैं। दूसरा खुशी का मौका ये है कि उसके दोस्त अहबाब, जो उसके करीबी दोस्त अहबाब हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, गुलबर्गा के रहने वाले तमाम नौजवान लड़के सब मिलके उसके नाम से एक टूर्नामेंट मुनक्किद किए हैं। मैं इस मौके पे तमाम प्लेयरों का और मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बड़े खुलूस के साथ आज के इस प्रोग्राम को का इनेकाद किया है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसामा को
इसका अजर साहब जरूर अता फरमाएगा। पिछले कुछ दिन पहले मेरे बहुत अजीज जनाब उसामा साहब, जो एक यंग स्टार गुलबर्गा में था, कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ था। उसी के नाम से, रियाजुद्दीन उसामा के नाम से आज वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा गया। मैं कहीं सारे बड़े बड़े गेम्स में गया हूँ, कहीं सारे स्पोर्ट्स में मैचेस देखा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का उसामा के नाम का टूर्नामेंट जो उनके दोस्त उनकी याद में रखे हैं, तो बहुत ही सुपरस्टार आज का टूर्नामेंट हुआ है, जिसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट से बड़े बड़े टीम्स आकर यहाँ पर मैचेस खेले हैं। उसके बाद फाइनल जो मैच आया है, सेमीफाइनल फाइनल में हमारे ही गुलबर्गा के दो टीम, गुलबर्गा राइडर्स और उसामा टीम जो आज फाइनल खेले हैं, उसमें गुलबर्गा राइडर्स ने जीत हासिल की है। तो मैं गुलबर्गा राइडर्स के तमाम टीम प्लेयर्स को मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ उसामा के जो टीम के प्लेयर्स थे खिजर, वो लोग, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। बेहतरीन मैच उसामा के नाम पर खिलाया गया और बहुत अच्छे से ये मैच का इंतज़ाम किया गया। गुलबर्गा में ऐसे मैचेस का इंतज़ाम किया जाना एक बहुत काबिल फ़ख्र की बात है गुलबर्गा के लिए। और मैं मेरे बचपन से देखता हूँ वॉलीबॉल का, मुझे भी बहुत शौक़ है। जनाब जो उसामा के वालिद साहब हैं, उन्हें भी बहुत शौक़, वो तमाम फैमिली जो उसामा की फैमिली है वॉलीबॉल से बहुत वो लोगों को जुड़े हुआ था उनको वॉलीबॉल से। आज उसी के नाम से इतना बड़ा मैच होना बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं तमाम जो लोग यहाँ पर आए थे होंगे उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, और जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ। जो टीम हारी है उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो भी बहुत अच्छा इस मैच को खेलने की कोशिश किए हैं। हार जीत दो में से एक तो होना ही है। तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ उसामा के वालिद साहब को, चाचा को, वो लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपके बच्चे की याद में उसामा के फ्रेंड्स थोड़े थोड़े दिन में ऐसा मैच रख रहे हैं। फिर आने वाले दिनों में क्रिकेट का टूर्नामेंट भी मिनाज खतीब साहब की जानिब से रखा जा रहा है। तो एक उसामा को लेकर एक तमाम लोगों में एक उसके दोस्ती को निभाने का एक जो फ़र्ज़ था, वो तमाम दोस्त उसके दोस्त फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, मैं मुबारकबाद देता हूँ उसामा और नमरगढ़ सुत और वॉलीबॉल क्रीडापट आगद इवतवर ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಅವರ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಓಸಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆರೆದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಲಿ, ತುಂಬ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ದುಃಖದಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸರಿ, ನಾವು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆತನ ಅದು ದೇವ್ರ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವರ್ಷ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಅವರ ಯಾವುದೇ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪಹಲೆ ತೋ ಸಭಿಕಾ ಶುಕ್ರಿಯಾದ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಜೊ ಹಮ್ ಏಕ 8 ದಿನ ಪಹಲೆ ಏಕ ವಿಡಿಯೋ ಡಾಲೆ ಥೆ ಕಿ ಉಸಾಮಾ ಕೆ ನಾಮ್ ಸೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಜ್ ಕರ್ ರಹೆ ತೋ ಹರ್ ಗಾಂವ್ ಸೆ ಹರ್ ಜಗಹ ಸೆ ಜೊ ಲೋಗ್ ಆಯೆ ಹೈ ಮೈ ಉನ್ಕಾ ಭಿ ತಹೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಶುಕ್ರಿಯಾದ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಕಿ ಹಮ್ ಇತನಾ ಸೋಚೆ ಥೆ ನಹೀ ಕಿ ಆಜ್ ಯೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇ ಇತನಿ ರೌನಕ್ ಆಯೆಗಿ. ತೋ ಯೇ ರೌನಕ್ ಜೊ ಹೈ ಉಸಾಮಾ ಕಿ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ಹೈ. ತೋ ಕಾಫಿ शौक में है कि सब ये ग्राउंड जो है स्टेडियम बन गया था, ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम की तरह बन गया था. तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, गुलबर्गा के ऑडियंस का भी और जो टीम में पार्टिसिपेट करे थे जितनी भी टीम उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसामा के फैमिली का, परिवार का, उनके चाहने वाले का, उनके दोस्त अहबाब का, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और हमारी टीम खालिद, खिजर, बाबू, वाहिद, जाहिद, जितने भी हमारे मेम्बर्स है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. दिन रात मेहनत करके उसकी मोहब्बत के लिए, जो टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए जो मेहनत किए उनका भी शुक्रिया अदा है. और जितने भी आज चीफ गेस्ट आए थे, स्पेशल मिनाज भाई, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं. मिनाज भाई एंड टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और सबसे बड़ी बात, ये एक टूर्नामेंट उसामा की याद में रखा गया था. आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो हमारे बीच में हमेशा रहेगा, हमारी यादों में हमेशा रहेगा, हमारे दिलों में हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी, अनमोल तोहफा हम खो चुके हैं. तो
आसान नहीं उसको भुलाना, तो हम कोशिश करेंगे अल्लाह से जितनी हो सके उतना दुआ करेंगे कि अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए, उसको जन्नत में आला से आला मकाम फरमाए, उसकी खबरी में उजाला फरमाए, के जो भी हैं बुलंद दर्जात फरमाए। तो मैं सभी का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितना ऐसे दिन गुजर रहे हैं कि उसामा की याद हमारे दिलों और दिमाग से नहीं जा रही, कि हमारी टीम काफ़ी थोड़ा सैड भी है, थोड़ा अलग माहौल पैदा है। उसी को हम एक सपना था उसामा का भी कि टूर्नामेंट खेलना, टूर्नामेंट कराना, तो हमारी भी एक सोच गई कि जब वो नहीं है तो वो हमारे बीच में है, ऐसा ही रहेगा, बल्कि हम लोग प्लान करें कि उसामा के नाम से टूर्नामेंट कराएंगे, एक ऐसा टूर्नामेंट कराएंगे कि गुलबर्गा में इतिहास रचना चाहते थे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के माहौल के और आज के जो दर्शक थे, पब्लिक थे और जो ट्रॉफी थे, वो उसकी गवाह है, इतिहास की और उसामा की मोहब्बत की वो गवाह है कि हमने जो वादा किया था कि टूर्नामेंट का इतिहास रचेंगे, तो आज हमने उस टूर्नामेंट को सक्सेस भी किया, इतिहास भी रचा। और सभी जितने भी हमारे शामियाना वाले, लाइटिंग वाले, काशिफ भाई, उनकी टीम को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और गुलबर्गा हेडलाइंस वसीम भाई का और पार भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो ट्रॉफी जैक स्पोर्ट्स यानी जिसके ओनर है जाकिर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी बढ़िया ट्रॉफी हमें ऑलरेडी एक महीना 15-20 दिन पहले बुक करे थे, उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद लगी, तो एक ख्वाहिश थी ट्रॉफी की, उसामा की भी ख्वाहिश थी ट्रॉफी की, अल्हम्दुलिल्लाह एक रनर अप ट्रॉफी आ चुकी है उसके घर में। तो हम लोग पहले ही सोचे थे कि चाहे विनर जीतेंगे रनर जीतेंगे, ये ट्रॉफी उसामा के घर में पहुँचेगी, ये हमारा एक सपना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश भी पूरी हुई, सपना भी पूरा हुआ, और पानी की टाकी गार्डन में जो है ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका प्रोजेक्ट काम होने वाला है, ग्राउंड और डेवलप होगा, ये गार्डन को नया बनाया जाएगा। मैं कनीस फातिमा मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, फराजुल इस्लाम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे GDA चेयरमैन मज़र आलम खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी का शुक्रिया अदा। बबलू भाई का काफ़ी बड़ा योगदान है इस गार्डन को लेकर, काफ़ी सपने ख्वाहिश हैं उनके कि आज नहीं तो कल होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये गार्डन का भी होगा, फिर अगले साल इतिहास तो बनाए थे, ऐसा इतिहास बनाएंगे पूरे कर्नाटक में, ऐसा टूर्नामेंट नहीं होगा उसामा के नाम से।